अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ अडोब फोटोशॉप सीसी की। तो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग देख सकते हैं ये कितने ब्लैक पिक्चर है, हम लोग इसे वाइट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आप लोगों ने सीधा चले जाना है कैमरा रॉ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कैमरा रॉ ओपन हो चुका है। तो एक्सपोर्स इसको आप लोगों ने बढ़ा लेना है, जो वाइटनेस है उसे कम कर लेना है और जो ब्लैक है उसे भी आप लोगों ने बढ़ा लेना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑरेंज को बढ़ा लेना है और रेड को भी बढ़ा लेना है, और इधर से ऑरेंज को कम करना है और रेड को आप लोगों ने बढ़ा लेना है, ताकि आप लोगों की जो स्किन है वो रेड हो जाए। ऑरेंज को घटाने से आप लोगों की जो स्किन है वो वाइट हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों ने कर लेना है मर्ज विजिबल। मर्ज विजिबल करने के बाद आप लोगों ने नीचे से एक लेयर बनानी है। लेयर बनाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल बोर्स ले लेना है। सिंपल बोर्स लेने के बाद आप लोगों ने ना अपनी जो स्किन है उस पर बिल्कुल वाइट कलर कर लेना है। अपनी स्किन को आप लोगों ने वाइट कलर कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह। तो आप लोगों के टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियोस को करता हूँ फास्ट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी जो स्किन है उसे वाइट कर लिया है। तो आप लोगों ने ही बिल्कुल ऐसा ही करना है। ऐसा करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आई को मैं कुछ साफ़ कर लेता हूँ, उसकी सेटिंग ख़राब थी, चलो वो कर लेता हूँ। इसी तरह आप लोगों ने करना है, स्किन करनी है, बाकी जितने भी हैं आप लोगों ने जिसम के इसे उन्हें नहीं करना वाइट, इस तरह आप लोगों ने कर लेंगे। ऐसा करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जाना है और नॉर्मल से आप लोगों ने सॉफ्ट लाइट करना है। जैसे ही आप लोग सॉफ्ट लाइट करोगे आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेसर को दोहराना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे हैं कि रेड कलर ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ से रिजल्ट कर रहा हूँ, जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गर्दन जो है हमारी वो ज़्यादा ब्लैक थी, तो यहाँ पर से हम लोग इसे रिजल्ट कर लेते हैं। रिजल्ट लिया और शुरू हो गया। तो हम लोगों ने रिजल्ट कर लिया है गर्दन को। तो यहाँ से आप लोग इसको कम भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों का स्किन ज़्यादा वाइट हो जाए तो आप लोग इसे कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर करने के बाद मर्ज विजिबल कर देता हूँ और फिर से एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। जो हमारी गर्दन है उसे हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर अगर गर्दन पर रिजल्ट ना करता तो गर्दन हमारी जो है वो रेड हो जाती। तो अब मैं इसे सॉफ्ट लाइट करता हूँ और कम कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये अब रेड नहीं होगी बल्कि थोड़ी सी वाइट हो जाएगी। तो आप लोगों ने ही ऐसे ही करना है। मर्ज विजिबल कर देता हूँ और कैमरा राम में चले जाता हूँ, और कैमरा राम में इसकी सेटिंग करेंगे।
तो कैमरा रॉ में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो रेड कलर है उसे बढ़ाऊँगा और ऑरेंज कलर को कम करना है। ऑरेंज कलर को कम कर लेते हैं, ठीक होगा, ओके हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी जो स्किन है उसकी हम एक फिर से डुप्लीकेट लेयर बना रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने मिक्सचर टूल को सेलेक्ट कर लेना है। मिक्सचर टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने लेयर बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, कर लेती हूँ ओके। और यहाँ पर आप लोगों ने ना दूसरी जो लेयर है वहाँ पर जाकर आप लोगों ने अदर से आई पास ले लेना है। आप लोगों ने अपनी इमेज के हिसाब से आई पास लेना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना आई पास ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने ही ऐसे आई पास लेकर उसे सॉफ्ट लाइट कर देना। और जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पर सिलेक्ट करके आप लोगों ने ब्लर ग्लाजियर ब्लर में जाकर आप लोगों ने ब्लर लगा लेना है। अपने जो है ना स्किन के जो बाल हैं उनको देखकर आप लोग ब्लर लगाया करें, ठीक है ना। वो आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर आप लोगों के बाल सही नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने नीचे टूल ब्रश लेना है और अपनी स्किन बनानी शुरू करनी है। यहाँ पे मैं नीचे टूल ब्रश ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने मिक्सचर टूल ब्रश सेलेक्ट कर लिया और लेयर बनानी शुरू कर दी है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियोज़ को करता हूँ फास्ट। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। आप लोगों का शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी लेयर बना ली। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ये मर्ज विजिबल। फिर से डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद हम लोग यहाँ से इस आइकन पर सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ से आप लोगों को लगता है कि आपकी स्किन जो है वो ब्लैक है वहाँ वहाँ पर आप लोगों ने लगा लेना है। तो आपकी वहाँ वहाँ से स्किन जो है वो वाइट हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि आप लोग ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो रेड पड़ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ जहाँ से आप लोगों को लगता है कि ब्लैक है वहाँ वहाँ पर ही आप लोग लगाएं। उसके ऊपर आप लोगों ने मिक्सचर टूल ब्रश लगा लेना है, वो आप लोगों का जो स्किन है वो रेड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा ही करना है।
ऐसा करने के बाद आप लोग मर्ज विजिबल कर दें, फिर से डुप्लीकेट लेयर बनाएं। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आप लोग कैमरा रॉ में चले जाते हैं। तो कैमरा रॉ में जाने के बाद यहाँ से मैं ऑरेंज कलर को कम करूँगा और यहाँ से जाकर आप लोग ऑरेंज कलर को बढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जो स्किन है वो वाइट हो जाएगी, रेड को भी बढ़ाकर वाइट हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ जस्ट मिनट में जाकर एस प्रेस करेंगे तो ये वाला टेबल आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। तो जहाँ पर जो रेड कलर है उसे मैंने कम किया और जो ब्लैक कलर है उसको मैं भी थोड़ा सा कम करता हूँ। तो यहाँ पर कम कर, तो यहाँ पर जो येलो कलर है उसे बढ़ा देता हूँ, उसको भी बढ़ा देते हो, कर लेते हैं ओके। ऐसा करने के बाद आप कर देते हैं मर्ज विजिबल, फिर से हम लोग डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। फिल्टर में जाएंगे, कैमरा रॉ में जाएंगे, इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करेंगे। यहाँ से ऑरेंज कलर को जो ना आया मैं कम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रेड कलर को बढ़ा देता हूँ, कर लेता हूँ ओके। और फिर से ना थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने मिक्सचर टूल ब्रश ले लेना है। ये इसलिए मैं बार बार मैं कैमरा रॉ को ओपन करता हूँ, मिक्सचर टूल ब्रश लगाता हूँ, जो हमारा ना कलर वो हमारे स्किन के साथ अटैच हो जाए, एकदम फिक्स हो जाए, या वरना बाद में नहीं होता, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, टाइम लगा कर पिक्चर एडिट की है। फिर से आप लोगों के सामने मैं कैमरा रॉ में जा रहा हूँ, फिर से सेटिंग करूँगा, फिर से मिक्सचर टूल ब्रश लगाऊँगा। तो आप लोगों ने ऐसा ही करना है, अगर मैंने एकदम से अगर लगाया ना मिक्स सेटिंग कर ली और फिर से पिक्चर टूल ब्रश लगाया तो वो हमारी स्किन अच्छी नहीं बनेगी। आप लोगों ने ऐसे ही करना है। तो आप लोगों के सामने जो ये ऑरेंज और रेड कलर की है ना लाइनें, ये सिर्फ स्किन के लिए होते हैं और बाकी तमाम जो है ना वो हमारे बैकग्राउंड के लिए होती हैं। तो इस पर मेरी एक और वीडियोज़ है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ से आप लोगों ने हैंड वाला बटन क्लिक करके ना वहाँ से जाकर अगर आप लोग लगाएंगे तो वो स्किन जो है ना हमारी वहाँ से ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते थे रेड दिखाई दे रहा था, अब लोगों को यहाँ से ब्लैक हो जाएगी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप लोग इसके ऊपर मिक्सचर टूल ब्रश के लगाएंगे ना तो वो काफ़ी खूबसूरत स्किन दिखेगी। तो आप लोग इसके ऊपर मिक्सचर टूल ब्रश लगा लेते हैं। यार मैंने फोकस ही नहीं किया, जो हमारे यार हैं कान है वो तो रह ही गए थे यार। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने गलती कर दी थी, मैंने सिर्फ फेस पर फोकस किया पर यार पर कान पर कोई फोकस नहीं किया। इसलिए अगर मैं मिक्सचर टूल ब्रश लगाऊँ ना तो ये इतना खास अच्छा अच्छी नहीं क्वालिटी की पिक बनेगी, क्योंकि यार अच्छे नहीं बनेंगे। बाकी जो है हमारी स्किन वो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बन चुकी है। बस यार खैर चलो छोड़ो, खैर आप लोगों को समझ तो आई होगी क्योंकि उस पर मैंने फोकस नहीं किया। तो आप लोगों ने बार बार कैमरा रॉ में जाना है और वहाँ से सेटिंग करनी है। तो इसी तरह आप लोगों ने करना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मिक्सचर टूल ब्रश लगा रहा हूँ, तो मिक्सचर टूल ब्रश पर मेरी एक सेटिंग की वीडियोज़ है वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से कर देते हैं मर्ज विजिबल और एक खाली लेयर बनाएंगे। मैं इस पिक के जो है ना लिप्स बनाना चाहता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है और सिंपल ब्रश ले लेना है, कलर ब्रश, और आपने जो है ना अपने लिप्स उनको फुल रेड कर देना है, फुल। यहाँ से आप लोगों ने स्किन को पीछे वाइट किया था ना, यहाँ से अपने लिप्स को आप लोगों ने फुल रेड कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर लेना। इधर से ज़्यादा हो गया तो कर लेते हैं इधर, और यहाँ से कर लेना है सॉफ्ट लाइट। जैसे ही आप लोग सॉफ्ट लाइट करोगे तो आपके जो है ना वो लिप्स वो रेड हो जाएंगे। यहाँ से आप लोग कम करके उसे अपने चेस्ट में से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ ओके, इमेज के हिसाब से यहाँ से रेजर कर लेते हैं, कलर ज़्यादा बाहर की ओर है।
तो इसके ऊपर नीचे वाली लेयर पर ऊंचा टूट पोर्शन मर्ज विजिबल कर देते हैं और इसके बाद हम लोग नीचे टूट पोर्श लेंगे और लिप्स को नीचे टूट पोर्श कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पिक्की जो लिप्स है वो बन चुके हैं। तो इसे और रेड वाइट करने के लिए हम लोग जाएंगे कैमरा राम। तो कैमरा राम में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ऑरेंज कलर को ना कम कर लेना है। तो ऐसे करोगे तो आप लोगों ने जो है ना रेड को बढ़ाएंगे तो आप लोगों की जो स्किन है वो वाइट हो जाएगी और इसमें आप लोगों के लिप्स भी आते हैं कि उसका भी रेड कलर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा रेड कैसी भी लग रही है, ज़्यादा वाइट कैसी लग रही है, ब्लैक भी हो रही है। तो अब मुझे जो अच्छी लग रही है ना वो ज़्यादा ना रेड अच्छी लग रही है ना ज़्यादा वाइट यहाँ पर मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मैं इसे ओके कर देता हूँ। आप लोग इसी तरह अपनी पिक को भी एडिट कर सकते हो। यहाँ से फिर से मिक्सचर टूल ब्रश लगा लेते हैं। जब आप लोगों की पिक एडिट हो जाए तो आप लोगों ने आखिर में मिक्सचर टूल ब्रश ज़रूर यूज़ करना है। अगर कोई जगह रह भी जाती है तो उस वहाँ पर आप लोगों ने मिक्सचर टूल ब्रश ज़रूर लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी पिक क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आखिर में मिक्सचर टूल ब्रश लगाने वाला हूँ। इतनी देर में आप लोग कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, न्यू चैनल है, प्लीज़ मोनेटाइजेशन करवा दो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।